हेलो एवरीवन, मैं आप सबका वेलकम करती हूँ अचीवर्स ICS एकेडमी में और मेरा नाम है समृद्धि गुप्ता। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं, अभी हमारे ADEO का सीरीज़ चल रहा है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, और हम यहाँ पे लाइव क्लास फ्री रोज़ 2 बजे दे रहे हैं, जिससे आपको बहुत प्रॉफिट हो सकता है आपके स्टडीज़ में, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग को आप इसमें जोड़ने का कोशिश करिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आज मैं जो पढ़ाने जा रही हूँ वो है पद्म अवार्ड्स। जैसे कि आप लोग जानते हैं, करंट अफेयर का वेटेज अभी एग्ज़ाम्स में बढ़ गया है, तो आज मैं आप लोग को पद्म अवार्ड से रिलेटेड चीज़ों के बारे में बताना चाहूँगी, जो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, जिससे आप मार्क्स गेन कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम्स में। तो हम ये जो है इसमें MCQ सीरीज़ करेंगे, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच डे आर पद्म अवार्ड अनाउंस एवरी ईयर। पद्म अवार्ड जो है वो हर साल किस दिन घोषित किया जाता है। इसके ऑप्शंस है इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, कॉन्स्टिट्यूशन डे, सेक्रीफाइस डे। चलिए बताइए। तो इसका सही आंसर है रिपब्लिक डे। आप सब जानते हैं रिपब्लिक डे 26 जनवरी को बनाया जाता है, और मुझे पता भी है ये क्यों बनाया जाता है। तो मुझे लगता है आपको भी यह पता होगा कि यह क्यों बनाया जाता है। तो 26 जनवरी हर साल पद्म अवार्ड को अनाउंस किया जाता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, पद्म अवार्ड आर गिवन इन हाउ मैनी कैटेगरीज। मतलब कि पद्म अवार्ड्स कितने क्षेत्रों में दिया जाता है। तो पद्म अवार्ड्स जो है वो उसके ऑप्शंस है 3, 4, 5 और 6। तो पद्म अवार्ड्स जो है वो 3 एरियाज में दिया जाता है। लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। पद्म अवार्ड्स आर गिवन बाय द रिकमेंडेशन ऑफ। पद्म अवार्ड्स जो है वो किसके रिकमेंडेशन में दिया जाता है। ऑप्शंस है पद्म अवार्ड कमेटी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड कल्चर, यूनियन सेक्रेटरिएट। तो इसका सही ऑप्शन है पद्म अवार्ड कमेटी। अभी आप इतना मत सोचिए कि पद्म अवार्ड कमेटी क्या है, इसके बारे में आप आगे क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि पद्म अवार्ड कमेटी क्या है। पद्म अवार्ड कमेटी इज कंस्टिट्यूटेड। पद्म अवार्ड कमेटी कब कब बनता है? एवरी ईयर, एवरी 2 ईयर, एवरी 3 ईयर, एवरी 4 ईयर। चलिए इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर है एवरी ईयर, हर साल पद्म अवार्ड कमेटी बनता है। ठीक है, अब अपना अगला क्वेश्चन है, हु कॉन्स्टिट्यूट द पद्म अवार्ड कमेटी एवरी ईयर। पद्म अवार्ड कमेटी जो है वो हर साल कौन बनाता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यूनियन सेक्रेटरिएट। तो इसका जो सही आंसर है वो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जैसे कि आप सब जानते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, जो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, और हर साल की तरह इस साल भी उन्होंने एक कमेटी कंस्टिट्यूट की, जिसे हम पद्म अवार्ड कमेटी कहते हैं, जो रिकॉग्नाइज करता है ये प्रोग्राम को और नॉमिनेटेड लोगों को ये देखता है। ठीक है, तो अब आप जान गए हैं कि पद्म अवार्ड जो दिया जाता है वो रिपब्लिक डे के दिन दिया जाता है, और इसे अनाउंस करने के लिए एक कमेटी बनाई जाती है जो कि पद्म अवार्ड्स कमेटी कहलाती है, जो कि प्राइम मिनिस्टर बनाता है। और ये जो कमेटी है ये हर साल कंस्टिट्यूट की जाती है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। हु कैन अ पर्सन बी नॉमिनेटेड फॉर पद्म अवार्ड्स। पद्म अवार्ड्स के लिए किस टाइप के लोग, कौन से लोग नॉमिनेटेड हो सकते हैं? तो बाय द स्टेट गवर्नमेंट, बाय द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, बाय सेल्फ नॉमिनेशन, ऑल ऑफ द अबव। तो ज़रा आप सोच के देखिए कि किस टाइप के लोग इसमें नॉमिनेटेड होते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, जो पद्म अवार्ड्स है वो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है किसी भी सर्वोच्च कार्य के लिए। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दी अबव। यदि आप किसी स्टेट गवर्नमेंट के सर्विस में और आपने बहुत अच्छा काम किया, यदि आप खुद स्टेट के अंदर एक लोकल सेल्फ बॉडी है जो किसी चीज़ के लिए नया पहल कर सकता है, जिसको लोग याद रखते हैं, जिसको लोग जानते हैं उस एरिया में भी, और आप खुद को भी नॉमिनेट कर सकते हैं इस अवार्ड के लिए।
ठीक है। अब इन विच ईयर वेयर द पद्म अवार्ड्स इंस्टीट्यूट बाय द गवर्नमेंट। अब आपको ये बताना है कि जो पद्म अवार्ड्स है वो कब चालू हुआ, 1951, 1952, 1953 और 1954। तो इसका सही आंसर है 1954। 1954 को पद्म अवार्ड चालू हुआ है। अब देखते हैं हाउ मैनी सिविलियन अवार्ड वेयर इंस्टीट्यूट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1954। आप जानते हैं कि दो ऐसे सर्वोच्च नागरिक अवार्ड हैं जो लोगों को दिए जाते हैं, ठीक है। अरे मैंने तो इसका आंसर बता दिया, तो अब आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। मैं आपको एक मिनट दे रही हूँ, जल्दी से कमेंट में बताइए। चलिए आपका समय पूरा हुआ, मेरे लिए एक मिनट यही है। तो इसका सही आंसर है 2। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1954 में 2 सिविलियन अवार्ड्स निकाला, जिसको एक को पद्म अवार्ड कहते हैं और दूसरे को भारत रत्न कहा जाता है। जब पद्म अवार्ड शुरू आया था तो इसके 3 कैटेगरीज से, पहला वर्ग, दूसरा वर्ग और तीसरा वर्ग। बाद में इसे पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री के नाम से जाना गया। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो दिया जाता है वो है, जो हाईएस्ट ऑनरेबल है वो है पद्म विभूषण। अब चलिए भारत रत्न से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत रत्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इज गिवन इन विच फील्ड। एक्सेप्शनल सर्विस इन एनी ह्यूमन एंडेवर, एनी सोशल सर्विस, एनी स्पिरिचुअल एंडेवर, नन ऑफ दी अबव। तो आप जैसे जानते हैं भारत रत्न जो है वो सर्वोच्च नागरिक अवार्ड है, जो कि किसी ह्यूमन को, किसी नागरिक को उसके प्रशंसनीय काम के लिए दिया जाता है। तो इसका आंसर है एनी ह्यूमन एंडेवर, किसी आदमी को ही ना दिया जाएगा ये अवार्ड। अब भारत रत्न के बारे में देख लेते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं भारत रत्न जो है वो है हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, ठीक है, और ये किसी अच्छे सर्विस और परफॉर्मेंस के लिए दिया जाता है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ठीक है। और ये जो अवार्ड है वो, जो सबसे इम्पोर्टेंट, ये जो अवार्ड है वो प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करता है, और प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को बताता है कि किन किन लोगों को भारत रत्न देना है, कौन कौन डिजर्विंग है इसके लिए, ठीक है। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसे भूलिएगा नहीं, इसे आप स्टार मार्क कर लीजिए। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ कंफर्म भारत रत्न टू हाउ मैनी पीपल टिल डेट। मतलब आज के दिन तक भारत रत्न कितने लोगों को मिल चुका है। आप जानते हैं ये बहुत कम लोगों को ही मिलता है, क्योंकि ये एक हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, ठीक है। इसके ऑप्शन है 35, 45, 55, 75। तो इसका सही आंसर है 45। अभी तक के 45 लोगों को भारत रत्न दिया जा चुका है, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के अवार्ड। पद्म अवार्ड्स आर गिवन एनुअली, व्हेन वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन दिस अवार्ड्स वेयर नॉट गिवन फॉर 2 कंसेक्यूटिव ईयर। मतलब पद्म अवार्ड्स लगातार हर साल दिया जाता है, लेकिन किन्हीं 2 सालों के लिए ये बंद किया गया था या नहीं दिया गया था। तो चलिए बताइए कौन से ईयर पे नहीं दिया गया था, 1966 से 1968, 1978 से 1979, 1993 से 1994 और 2001 से 2002। तो इसका सही ऑप्शन है 1978 से 1979 तक यह अवार्ड नहीं गया था, दिया गया था। जब मोरारजी देसाई की पार्टी आई, इसका रीज़न सुन लीजिए, जब मोरारजी देसाई की पार्टी आई तो उन्होंने कहा ये हमारे टाइटल का हनन करता है, तो इस वजह से ये 2 साल बंद कर दिया गया। लेकिन जब पार्टी चेंज हुई तो उन्होंने यह केस को सुप्रीम कोर्ट ले जाया गया, जहां यह बताया गया कि आर्टिकल 18 के क्लॉज 1 के तहत यह आपके टाइटल का हनन नहीं करता और ये अवार्ड बिल्कुल वैलिड है, जिसके बाद से ये अवार्ड को वापस चालू किया गया। क्या हुआ, रोक। तो आपको समझ आया यह क्वेश्चन, इसमें ये कहा गया मोरारजी देसाई ने कि आर्टिकल 18 का इसमें हनन हो रहा है,
ठीक है, लेकिन जब अगला गवर्नमेंट आया जो कि इंदिरा गांधी का था, तो उन्होंने यहाँ के सुप्रीम कोर्ट लेके गया और उन्होंने कहा कि इससे आर्टिकल 18 का एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो रहा है, जिस वजह से यहाँ जो अवार्ड है वो देना वैलिड है और यहाँ वापस देना चालू कर दिया गया। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द पद्म अवार्ड कमिटी इज हेडेड बाय द कैबिनेट सेक्रेटरी, सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट, होम सेक्रेटरी, नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, कैबिनेट सेक्रेटरी। ठीक है, चलिए अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। हाउ मैनी पद्म विभूषण आर प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द ईयर 2022। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कितने लोगों को पद्म विभूषण दिया गया? तो इसके ऑप्शन है 2, 3, 4 और 5। चलिए जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या है। चलिए मैं ही बता देती हूँ, इसका ऑप्शन आंसर है ऑप्शन सी, 4। अभी तक के 4 लोगों को इस साल पद्म विभूषण दिया गया है। अब अगला क्वेश्चन, हाउ मैनी वेयर गिवन पद्म विभूषण पोस्टमैसली, मतलब पोस्टमैसली का मतलब है मरनो उपरांत, मतलब आफ्टर डेथ, आफ्टर डेथ के बाद अभी तक के कितने लोगों को पद्म विभूषण दिया गया है? तो इसके ऑप्शन है ए 2, B, 3, C, 4 और D, 5। तो इसका सही आंसर है अभी तक के 4 लोगों को दिया गया है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। Who among the following has not been given the Padma Vibhushan posthumously? किसे मरणोपरांत पद्म विभूषण नहीं दिया गया है? तो इसका ऑप्शंस है ये सब, और इसका सही आंसर है मिस प्रभा एत्रे। पोस्टमैसली मतलब मरने उपरांत, मरने उपरांत, मरने के बाद, आफ्टर डेथ। ठीक है, और इन विच फील्ड वॉज द मिस प्रभा एत्रे वॉज गिवन द पद्म विभूषण इन द ईयर 22। ठीक है, तो जो प्रभा एत्रे है उन्हें किस फील्ड में यह अवार्ड दिया गया है? तो इसका सही ऑप्शन है 8। मिस प्रभा एत्रे को 8 के फील्ड में यह अवार्ड दिया गया है। चलिए, तो ये जो लोग हैं जिन्हें मरणोपरांत पद्म विभूषण दिया गया, मिस प्रभा एत्रे, श्री दाधेश्याम खेमक, जनरल विपिन रावत, श्री कल्याण सिंह। ठीक है, ठीक है, तो ये 4 लोगों को इस ईयर पद्म विभूषण दिया गया, जिसमें से ये तीनों को मरणोपरांत दिया गया और प्रभा एत्रे को दिया गया जो कि अभी जिंदा है, आप जान रहे हैं, इससे पहले क्वेश्चन में ही हमने ये डील किया है। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाउ मैनी पद्म भूषण अवार्ड पेयर गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन ईयर 2022। तो 2022 में कितने लोगों को पद्म भूषण दिया गया? तो ऑप्शंस आर 17, 18, 19 एंड 20। तो इसका सही आंसर है 17। अभी तक के 17 लोगों को पद्म भूषण अवार्ड दिया गया। देखिए, हमने पहले पद्म विभूषण के बारे में जाना, अभी हम पद्म भूषण के बारे में जान रहे हैं और भारत रत्न के बारे में हमने देखा। जैसे कि आपको मैंने पहले ही बताया, 1954 को 2 सिविलियन अवार्ड्स की घोषणा की गई थी, जिसमें से एक है पद्म अवार्ड्स, जो कि पहले वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 में कहा जाता था, जिसे अभी हाल ही में बदल के पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री कर दिया गया है, और भारत रत्न अवार्ड। ये दोनों ही अवार्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है जिसे नागरिक को दिया जाता है भारत के। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन द पद्म विभूषण पोस्टमैसली। जो इस क्वेश्चन का मतलब है कि पद्म भूषण जो अवार्ड है किसे मरणोपरांत मिला, मतलब आफ्टर डेथ मिला? श्री गुलाम नबी आज़ाद, श्री विक्टर बंजारी, मिस गुरमीत बावा, श्री बुद्धावे भट्टाचार्य। तो इसका सही आंसर है मिस गुरमीत बावा। मिस गुरमीत बावा जो है वो पंजाबी फोक सिंगर है और इन्हें आर्ट के क्षेत्र में यह दिया गया है। ठीक है, और इन्हें ये अवार्ड जो है
वो मरणोपरांत दिया गया, मरने के बाद में। बार बार बोल रही हूँ, आप इस चीज को याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, ठीक है। चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। अब देखिए, जो पद्म भूषण अवार्ड जो है वो मरणोपरांत दो लोगों को दिया गया, जिसमें एक है मिस गुरमीत बावा और एक है श्री संजय राजाराम। तो गुरमीत बावा का तो मैंने आपको बताया कि एक पंजाबी फोक सिंगर है जिन्हें आर्ट के क्षेत्र में दिया, लेकिन श्री संजय राजाराम जो है ये एक मैक्सिकन साइंटिस्ट है जिन्हें साइंस की फील्ड में ये अवार्ड दिया गया और इन्होंने काफ़ी नाम कमाया है इस फील्ड में, ठीक है, भूलिएगा नहीं। अब हमारा अगला क्वेश्चन, हाउ मैनी पीपल हैव बीन अवार्डेड विद द पद्मश्री इन द ईयर 2022। तो पद्मश्री में 2022 में कितने लोगों को अवार्ड दिया गया है, 100, 105, 107 और 110। तो इसका सही आंसर है 107। अभी इस साल 107 लोगों को यह अवार्ड अनाउंस किया गया है, ठीक है। चलिए अब हम अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर पहुंच गए हैं। होप सो आपके लिए यह सेशन बहुत ज़्यादा नॉलेजफुल रहा होगा और आपको बहुत चीज़ों के बारे में पता हुआ होगा। हाउ मैनी पद्मश्री हैव बीन अवार्डेड इन द ईयर 2022 पोस्टमैसली, मतलब मरने के बाद कितने लोगों को यह अवार्ड दिया गया है इस साल, ठीक है। ऑप्शंस आर 6, 8, 10 एंड 12। तो इसका सही आंसर है 8। अभी तक के 8 लोगों को यह अवार्ड इस साल मरणोपरांत दिया गया है, ठीक है। तो ये हमारे सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो आपको यह होमवर्क दिया जाता है कि आपको मरणोपरांत कितने लोगों को पद्म अवार्ड्स मिला, मतलब तीनों क्षेत्रों में पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, उनके नाम को और उनके क्षेत्रों को याद करके मुझे अगले सेक्शन में कमेंट करके आपको बताना है। तो इस सेशन में हमने देखा कि पद्म अवार्ड्स क्या है, किन किन एरिया में दिया जाता है और भारत रत्न के बारे में। चलिए मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करा देती हूँ ताकि आपको ये याद हो जाए। तो पद्म अवार्ड्स जो है वो भारत के नागरिकों को दिया जाता है और ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है जो कि अनाउंस हुआ था 1954 में गवर्नमेंट के द्वारा, और 1954 में गवर्नमेंट के द्वारा दो अवार्ड, सिविलियन अवार्ड अनाउंस किए गए थे, जो कि है एक पद्म अवार्ड्स और भारत रत्न। पद्म अवार्ड्स जो है वो 3 एरिया में दिया जाता है, जो है पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्मश्री। और भारत रत्न जो है नागरिकों को दिया जाता है जो कृषि प्रशासनीय कार्य में वर्क करते हैं, ठीक है। पद्म अवार्ड्स देने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाता है जिसे हम पद्म अवार्ड्स कमेटी कहते हैं, और यह हर साल गठित किया जाता है हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, जो कि श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, ठीक है। और यह अवार्ड जो है उसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है नागरिकों को, ठीक है। होप सो आपके लिए ये सेशन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हुआ होगा और आपको इससे नॉलेज गेन हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप हमारे चैनल पर जाइए, विजिट कीजिए, वहाँ ADEO की फ्री क्लासेस चल रही हैं रोज लाइव 2 बजे, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होती है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप इसे ग्रैब कीजिए जो आपके लिए हेल्पफुल होगा एग्ज़ाम को निकालने के लिए, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें यदि आपको पसंद आया। मैं आपका इंतज़ार करूँगी फिर, तब तक के लिए वॉच करें हमारे चैनल को। थैंक यू।